द रेयोटवाड़ी एंड महलवाड़ी. सो फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड वन इज रेयोटवाड़ी सिस्टम एंड थर्ड वन इज महलवाड़ी सिस्टम. वी हैव डिस्कस अबाउट परमानेंट सेटलमेंट. सो हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट? Permanent settlement system of land revenue, the collection of revenue by imposing taxes on land. जिनमें से permanent settlement first है, किसने introduce किया इसे? Lord Cornwallis, who was the governor of India during that time. When it was started, किस सन में start किया गया इसको? In 1790. And what was the medium of collection this revenue? किस तरीके से collect किया जाता था? British government क्या appoint करते थे? जमींदार. ठीक है, British government assigned duty to जमींदार to collect revenue from whom? From farmers. Taxes किस पे impose किए जाते थे? British government asked to जमींदार to pay 89% of its total production. जमींदार को Britishers को क्या देना है? Tax pay करने के लिए बोला जाता था. How much? 89%. ये 89% जमींदार कहां से लेगा? जमींदार कहां से पे करेगा ब्रिटिशर्स को? जमींदार विल कलेक्ट इट फ्रॉम फार्मर्स, और फार्मर्स अपने फार्म लैंड पर हुए टोटल प्रोडक्शन का 89% किसको सबमिट कर देंगे? जमींदार को. ये अपने प्रोडक्शन का एक हिस्सा देंगे जमींदार को. तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप प्रोड्यूस्ड, ठीक है, दिस वाज परमानेंट सेटलमेंट विच वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. व्हाट वाज द मीडियम ऑफ कलेक्शन? British government collect land revenue through zamindars indirectly imposing taxes on the farmer. And what was the problem of this zamindari system or this permanent settlement system? The zamindars which were appointed by the British government, they impose huge taxes on these farmers. Or sometimes when a zamindar not able to pay the tax to the government, what happened then? So, ये कुछ problems थी. क्या problems थी? Zamindars अगर successfully ये 89% tax pay नहीं कर पाते ब्रिटिशर्स को, तो जमींदार को evict कर दिया जाता था from the जमींदारी. If a zamindar not able to pay the taxes to the British government, he had to lost its zamindari. उसे क्या छीन लिया जाता था? उसका rank, उसकी position छीन ली जाती थी. ठीक है? One more thing, the greater adverse effect of this permanent settlement was on the farmer group. The marginal farmer, the small farmer, the tenants. सबसे ज्यादा जो exploit हो रहे हैं वो कौन? Farmers exploit हो रहे हैं.
है. Why? Because they are exploiting directly by the zamindars and indirectly by the Britishers. ठीक है. तो ये जो burden of taxation है सबसे ज्यादा किस पर? Farmer पर. Why? If there is a situation of crop failure, how they will arrange this much amount? अगर किसी साल रेनफॉल नहीं होता, मॉनसून नहीं होता, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता, सो हाउ अ फार्मर विल बी एबल टू पे दिस काइंड ऑफ टैक्स 89% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. इट वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर फार्मर्स. ठीक है. एंड देन दे हैव टू डिपेंड ऑन द मनी लेंडर्स. ठीक है. इसके बाद में फार्मर्स को क्या करना पड़ता था? जैसे ही क्रॉप फेलियर हुआ, ठीक है, अब इफ दे आर अनेबल या क्रॉप फेलियर का कोई सिचुएशन आता है, सो इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर दे हैड टू शो देयर डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर. और ये मनी लेंडर इन फार्मर्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या पे करते थे? बोरिंग्स देते. बट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता था. अगेन इफ फार्मर विल फेल टू रीपे दैट अमाउंट ऑफ लोन टू द मनी लेंडर, तो अब ये दो जगह से बर्डन में है. एक तो यहाँ टैक्स नहीं पे कर पाया, दूसरा मनी लेंडर को लोन रीपे नहीं कर पाएगा. लोन रीपे नहीं कर पाएगा तो मनी लेंडर्स जनरली क्या किया करते थे? इनके लैंड्स को एज कोलेट्रल रख लिया करते थे, गिरवी रख लिया करते थे. कोलेट्रल क्या होता है? एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी दैट अ बोरोअर गिव्स टू द लेंडर इन अ केस व्हेन द बोरोअर बिकम फेल टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन. The lender has a right to sell that security and he can recover whatever amount he was losing by giving it as loan. So, is it clear? Collateral kya hai? Collateral that means any kind of security that a borrower keep with lender. So, farmers ke paas mein kya hota tha security rakhne ke liye? Their farmland. So generally, they had to lose their land because they were unable to pay a huge amount of loan and a huge burden of tax what they were facing. ठीक है. तो पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो permanent settlement का सबसे ज्यादा effect किन पर आया? Farmers पर. So this was the first medium, first type of land revenue system. ठीक है. इसके बाद अब हम आएंगे रियोटवारी सिस्टम पर. परमानेंट सेटलमेंट, इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम. मैम आपकी जो स्क्रीन है ना, ये ब्लर आ रही है. यस मैम. अभी आ जाएगा वो. एक्चुअली स्टक हो जाता है जब हम पार्टिसिपेंट को अनम्यूट करते हैं. अभी इट विल बी क्लियर. ठीक है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद रेवाड़वारी सिस्टम. अब ये रेवाड़वारी सिस्टम क्यों डेवलप किया गया, कब किया गया एंड हु स्टार्टेड दिस सिस्टम इन इंडिया? तो देखो, इट इज एन अनदर मीडियम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. ठीक है. ये सेकेंड मीडियम था रेवेन्यू कलेक्शन का जो इंट्रोड्यूस किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. इन दिस रेवाड़वारी सिस्टम द मीडिएटर्स रिमूव्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हु आर द मीडिएटर्स इन द फर्स्ट वन? जमींदार्स वर द मीडिएटर्स. यस प्रियांशी, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा?
you have any question? Yes, ma'am. मैम इन परमानेंट सेटलमेंट्स मैम जो 89% मैम वो लोग देते थे तो मैम पूरे विलेज को मिलाकर मैम एक जना देता था मैम या फिर सब लोग मैम 89% देते थे. देखो बेटा ये ऐसा होता था कि जमींदार को 89% पे करना है टू द ब्रिटिशर्स. और जमींदार का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके अंडर में सर्टेन लैंड सरफेस है या एक पर्टिकुलर विलेज है उसके अंडर उसको असाइन किया जाता था. 2-3 विलेज या एक विलेज कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया. अब इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जमींदार हाउ ही विल कलेक्ट 89%. ये 89% उसको फार्मर्स से कलेक्ट करना होता था. तो इन अ कलेक्टिव मैनर दे हैड टू पे द 89%. अब फार्मर्स पे वो फिक्स कर देता था कि 10%, 20%, 40% कितना कितना उसको इंडिविजुअल से लेना है. तो यहाँ बात किसी एक इंडिविजुअल के टोटल प्रोडक्शन की नहीं है, बात है पूरे विलेज के टोटल प्रोडक्शन का 89% दे हैड टू पे टू द ब्रिटिश. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ओके मैम. यस मैम, थैंक यू मैम. चलिए अब हम बात करें रेओटवारी सिस्टम का. रेओटवारी सिस्टम द सेकेंड सिस्टम टू डेवलप द लैंड रेवेन्यू और टू मेक द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन मोर पावरफुल. एक तरीके से जमींदार क्या चाहते थे कि पूरी तरीके से कंट्रोल किसके हाथों में आ जाए? जमींदार्स के, सॉरी ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाए. ठीक है, अब किया क्या गया? द रेओटवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस The Rayotwari system introduced in the year 1820 to 27, in the mid of 1820 to 27. Initially, in India, this system was not bring in practice by the Britishers. Why not brought in practice? Because initially, जब कंपनी के पास बहुत सारी टेरिटरीज एनेक्सेशन नहीं हुआ था तो इनिशियली रेओटवारी सिस्टम कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया कुछ सर्टेन प्लेसेस और कुछ सर्टेन स्टेट्स में. ठीक है, सो दिस सिस्टम इनिशियली स्टार्टेड बाय अलेक्जेंडर रीड. ठीक है, आपका जो रेओटवारी सिस्टम आता है ये रेओटवारी सिस्टम किसने इंडिया में स्टार्ट किया? इनिशिएटेड बाय अलेक्जेंडर रीड. ठीक है, किसने किया? अलेक्जेंडर रीड ने किया. लेकिन अलेक्जेंडर रीड इंट्रोड्यूस इट इन ओनली सम पार्ट of companies territory. ठीक है, कंपनी के हाथों में जितना हिस्सा या कंपनी फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंसी वर देयर बंगाल मद्रास सदर्न इंडिया सो सम पार्ट विच इज ऑक्यूपाइड बाय द कंपनी उनके किसी एक सर्टेन basically the name of that place which is not given in your book but I'm telling you Alexander Reed started it in Baramahal. Baramahal was a district that time. So वहाँ Alexander Reed ने इस system को start किया था. ठीक है, किस system को? रेओटवारी system को. But later later by Thomas Munro. ठीक है, इनिशिएट कब किया गया? अलेक्जेंडर रीड ने किया. ठीक है, सर्टेन पार्ट्स में किया. लेटर थॉमस मुनरो ने उस सिस्टम को
डेवलप किया। ठीक है, थॉमस मुनरो ने इस सिस्टम को क्या किया, डेवलप। इंट्रोड्यूस या इनिशिएटेड बाय अलेक्जेंडर रीफ सम पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी, जो कि मैंने आपको बोला अब बारा महल और डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, लेटर बाय थॉमस मुनरो दिस सिस्टम गेट डेवलप्ड। ठीक है, क्लियर है बेटा? अभी अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। मेन जो आप कह सकते हैं एक तरीके से इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का या पावरफुल बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, थॉमस मुनरो को जाता है। ठीक है, एंड व्हेन इन विच ईयर 1820 से 27 के बीच में द रेयोट वारी सिस्टम वाज डेवलप्ड। ठीक है, सो व्हाट वाज द रेयोट वारी सिस्टम, देखो हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। परमानेंट सेटलमेंट से ये अलग कैसे था, तो इट शुड बी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिस्टम रिमूव्ड द वर्क ऑफ मीडिएटर्स। तो अभी पहले वाले सिस्टम में मीडिएटर कौन है ये आप बताइए, जमींदार्स, वेरी गुड, जमींदार्स वर द मीडिएटर, जमींदार्स वर मीडिएटर इन द प्रीवियस सिस्टम, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट फाउंड दैट समवेयर द परमानेंट सेटलमेंट इज नॉट वर्किंग एफिशियंटली हाउ मच वी वॉन्ट, जितना हम चाहते हैं उस तरीके से ये सिस्टम सक्सेसफुली वर्क नहीं कर रहा है। हम और ज्यादा रेवेन्यू कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है जनरली, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल, इसको अभी रेवेन्यू से रिलेट मत करना, मैं आपको इसको रिलेट करवाऊंगी। ठीक है, देखो इफ अ पर्सन हुज नेम राम, ठीक है, राम है, वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। अब प्रॉपर्टी सेलिंग का उसको कोई आइडिया नहीं है, इज देयर एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू परचेज माय प्रॉपर्टी, मैं किसको सेल करूं, उसको नहीं पता है। तो ही डील्स विद अ प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर या एक मीडिएटर, वो किसके लिए वर्क करेगा कि ठीक है मैं आपकी प्रॉपर्टी सेल करवाऊंगा पर मुझे क्या चाहिए, कमीशन, मुझे अपना फीस चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर ने एक पर्सन को फाइंड आउट किया, गोविंद, गोविंद ने आकर के क्या कर ली, प्रॉपर्टी परचेज कर ली। प्रॉपर्टी डीलर ने राम से भी कमीशन लिया, गोविंद से भी क्या लिया, कमीशन लिया। तो ये जो मीडिएटर है वो दोनों साइड से क्या कर रहा है, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो द मीडिएटर वॉज अ पर्सन हु वॉज टेकिंग एडवांटेज। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम इस मीडिएटर को क्या कर दें, रिमूव कर दें। ठीक है, अब इसमें देखो अपना परमानेंट सेटलमेंट वाला जो सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट में हु विल वर्क एज मीडिएटर, जमींदार, ब्रिटिशर वर राम, जमींदार वॉज प्रॉपर्टी डीलर और गोविंद वॉज फार्मर्स। ठीक है, तो अब जमींदार विल कलेक्ट फ्रॉम फार्मर्स, जितना ब्रिटिशर कह रही है उससे ज्यादा बता दिया, ब्रिटिशर्स कह रही है इंडिविजुअली फार्मर्स है आप 30% टैक्स ले लो, तो जमींदार कितना बताएगा, 40% टैक्स, 10% यहां से अर्न किया, बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार को इनकम तो प्रोवाइड कर ही रही है, तो दोनों साइड से फायदा किसका, जमींदार का। ठीक है, सो अ मीडिएटर रिमूव्ड इन दिस रेयोट वारी सिस्टम, तो हु टेकन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द रेवेन्यू कलेक्शन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब पूरी तरीके से जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है, दिस वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो देयर वॉज नो मीडिएटर बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फार्मर्स, नाउ दे वर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है,
So I'm going to read according to your book. Everyone in your books, page number 25. Ma'am, who is mediator? Okay, Priyanshi, we are telling you. Dekho, is example ko main thoda board pe draw kar deti hu, aapko fir samajh mein aa jayega. देखो, I was telling you, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था राम. ये राम के पास में लैंड है या प्रॉपर्टी है जिसको वो किसको सेल करना चाहता है, किसी एक पर्सन को सेल करना चाहता है, लेकिन उसे वो पर्सन नहीं मिल रहा था. तो ये राम ने विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, तो अब ये राम प्रॉपर्टी डीलर से डील कर रहा है, गोविंद भी प्रॉपर्टी, ये सेल करना चाहता है और ये परचेस करना चाहता है. यहां से प्रॉपर्टी डीलर ने अर्न किया 40,000 और यहां से भी प्रॉपर्टी डीलर ने अर्न किया 40,000. फायदा सबसे ज्यादा किसका हुआ? प्रॉपर्टी डीलर का. दोनों साइड से क्या कर रहा है? वो अर्न कर रहा है. ठीक है, उसी तरीके से अब इसको समझो. राम वॉज ब्रिटिशर. ये कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट. और गोविंद कौन है? फार्मर्स. और बीच में कौन आ गया? जमींदार. तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट वॉज इन द परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि भाई जमींदार तो दोनों साइड से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, हमसे भी इनकम लेता है और यहां से भी एक्स्ट्रा टैक्सेस कलेक्ट करके प्रॉफिट अर्न करता है. तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा इसको बीच में से हटा दिया जाए. अब इसको बीच में से हटा दिया जाने का मतलब क्या है? रेवर्ड फारी सिस्टम में there was now removal of mediator and there was a direct interaction between British and farmers. तो अब ब्रिटिशर्स जमींदार्स को नहीं कहते थे, किसको कहते थे? फार्मर्स को. और फार्मर्स भी डायरेक्टली किसको पे करते थे? ब्रिटिशर्स को. इज इट क्लियर बेटा? Is it clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको समझ में आया? Yes, ma'am. रेवर्ड फारी सिस्टम में किसका रिमूवल हुआ? रेवर्ड फारी सिस्टम में रिमूवल हुआ जमींदार का. किसका रिमूवल हुआ? जमींदार. जमींदार का. ठीक है, तो मीडिएटर्स को रिमूव करके डायरेक्ट इंटरेक्शन किया गया ब्रिटिशर्स और फार्मर्स के बीच में. Now we will talk about page number 25 पर आएंगे और देखेंगे. आपको एक map given है यहाँ पर. Let me show it on your screen. Map की screen पर दिखाऊंगी. आप लोग अपनी book में देखेंगे इस map को. What is given in the map? How much area under covered under different system of revenue collection? So I'm going to share it with the help of a picture. Is it visible on your screen, everyone? Yes, Peter. Is it visible? Yes, ma'am. Okay, fine, Peter. देखिए, in this picture you will find that permanent settlement. So permanent settlement basically किन territories से या किन state पर imposed किया गया था? Permanent settlement
were imposed on the west eastern part or which is Calcutta, जहां पर आप कह सकते हैं बंगाल प्रेसिडेंसीज की अगर हम बात करें तो इन दी बंगाल प्रेसिडेंसी जहां कंपनी ने अपना इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट किया ऑफिसेज का अपना कंट्रोल जो है सबसे पहले कहां एक्सपैंड किया था इसी बंगाल प्रेसिडेंसी यहां पर सेटअप किया गया फर्स्ट में ठीक है तो देखो ये जो ग्रीन जोन आपको नजर आ रहा है ऑन द मैप यहां आपका परमानेंट सेटलमेंट ठीक है सो इन दिस एरिया कंपनी इम्पोज लैंड रेवेन्यू एज परमानेंट सेटलमेंट या थ्रू द सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट ठीक है अब बात करें अगर रियोटवारी का तो एक्सेप्ट दीज एरियाज जहां पर भी आपका परमानेंट सेटलमेंट इम्पोज नहीं था उन एरियाज में रेवतवारी के एक्सपेंशन का काम किया गया सो समवेयर हियर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड बेसिकली द रेवतवारी सिस्टम वॉज मेड पॉपुलर इन द सदर्न इंडिया इन द साउदर्न पार्ट वेयर एज वी टॉक अबाउट द मद्रास प्रेसिडेंसी ठीक है महाराष्ट्र मद्रास इन स्टेट्स में ये जो सिस्टम था लैंड रेवेन्यू का रेवतवारी सिस्टम उसको क्या किया गया अप्लाई किया गया ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हु वर द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड महलवारी को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि अभी हमने महलवारी सिस्टम को स्टडी नहीं किया है तो यू विल नॉट इजिली गेट इट कि वेयर दिस सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड अभी मैं सिर्फ आपको परमानेंट सेटलमेंट और रेवतवारी ही समझा रही हूँ क्योंकि ये दोनों हम स्टडी कर चुके हैं ठीक है महलवारी पे हम बाद में आएंगे सो रेवतवारी सिस्टम में हु वॉज द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड नाउ इन द रेवतवारी सिस्टम द ओनर ऑफ द लैंड वॉज फार्मर्स क्योंकि रिमूवल ऑफ मीडिएटर हो जाने के बाद में एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड कौन हुआ फार्मर्स हुए ठीक है ये आप पेज नंबर 26 पे आएंगे एवरीवन ओपन योर बुक कोई बात नहीं ख्याति मेरा अगर आपको अभी बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है देयर इज नथिंग मैंने सिर्फ आपका एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है परमानेंट सेटलमेंट का रेवतवारी सिस्टम का और महलवारी सिस्टम का अलोंग विद दिस आई एम स्पीकिंग ऑल्सो ना ठीक है सो बी फोकस्ड ऑन माई वर्ड्स इट मे बी सम कनेक्शन प्रॉब्लम अगर आपको ब्लर दिखाई दे रहा है या कुछ मेमोरी प्रॉब्लम इश्यू भी हो सकता है आपके फोन का देखो इन द रेवतवारी सिस्टम द रिमूवल ऑफ मीडिएटर डन जमींदार को हटा दिया गया और डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ इनके बीच में ब्रिटिशर्स और फार्मर्स के बीच में सो हु वॉज द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड नाउ फार्मर्स यहाँ पे एक वर्ड गिवन है आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ऑन पेज नंबर 26 पैराग्राफ सेकेंड एवरीवन इन योर बुक्स अंडर दिस सेटलमेंट द पीजेंट्स वर्स रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रोप्राइटरी ऑफ लैंड तो ये जो प्रोप्राइटरी वर्ड है इसको हाईलाइट करके ओनर आप लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है प्रोप्राइटर का मतलब क्या है ओनर ऑफ द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड या जिसका पोजेशन है उस लैंड पर So there was no intermediary like a zamindar between the peasants and the government. इस सिस्टम में कोई मीडिएटर जमींदार जो कि प्रीवियस मेथड में थे अब नहीं रहे So long as revenue was paid on time, the peasants were not evicted from land. तो अब क्या कर दिया गया पहले क्या होता था कि अगर जमींदार सक्सेसफुली अपना टैक्स गवर्नमेंट को या ब्रिटिशर्स को पे नहीं कर पा रहा है तो दे हैड टू लेफ्ट देयर जमींदारी ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ था कि भाई अगर जमींदार टाइमली इज नॉट एबल टू पे द टैक्सेस टू अस वी विल रिमूव देम फ्रॉम देयर पोजीशन और देयर रैंक हम उनकी जमींदारी छीन लेंगे
बट नाउ दिस टाइम फार्मर्स के साथ में ऐसा नहीं था. इफ दे पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम दे शुड नॉट एविक्टेड फ्रॉम द लैंड. उनसे उनकी जमीनें नहीं छीनी जाती टाइमली अपना टैक्स पे करने की वजह से. So long as revenue was paid on time, they cannot be evicted from the land. Besides, the land revenue was fixed for a period from 20 to 40 years at the time. इसके अलावा land revenues को क्या रखा गया? Fixed रखा गया कि हर 20 to 40 years का एक particular time period के लिए fixation of revenue कर दिया गया कि up to 20 years land revenue will be of a fixed amount that all the farmer had to pay on time. और उसके लिए date particularly fix कर दिया जाता था in the beginning of the month or at the end of the month. It totally depends on the British officers. So Munro felt that. Who was Munro? Who introduced this Rayotwari system? ठीक है? Thomas Munro. So Munro felt the British should act as father figure, protecting the farmers or Rayots under their charge. एक तरीके से कहा जाए तो जो permanent settlement के केस में exploitation farmers face कर रहे थे, in the case of Rayotwari system, they have given some relaxation. Relaxation कैसे? अभी उन्हें बर्डन ऑफ टैक्सेस, बर्डन ऑफ लोन से मुक्ति मिल गई. कैसे मुक्ति मिल गई? क्योंकि अभी एक ही जगह पे करना है, वो भी फिक्स्ड अमाउंट है और उस फिक्स्ड अमाउंट को हम पे कर सकते हैं. तो एक तरीके से फादर फिगर का मतलब फार्मर्स के लिए एक प्रोटेक्टर की तरीके से काम किया. किन्होंने? थॉमस मुनरो ने. कहीं ना कहीं ही वॉज लिबरल फॉर द स्मॉल and marginal farmers who were exploited under the permanent settlement. Yes, Priyanshi? You want to ask something, beta? Yes, ma'am. Ma'am, agar Thomas Munro ne ma'am ke introduce kiya tha Rayotwari system, then ma'am, who is Captain Alexander Reed? बेटा मैंने यहाँ पर लिखा था इट वॉज इनिशिएटेड बाय, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलेक्जेंडर रीड, बट इट वॉज डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो. तो एक होता है ना कि इन्होंने बताया, एलेक्जेंडर रीड ने शुरुआत की. और मैंने ये भी आपको बोला कि एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट था बारा महल के नाम से. उस बारा महल, उस जगह पर एलेक्जेंडर रीड ने इसे स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते थे. लेटर ऑन थॉमस मुनरो ने इसे इनिशिएट ही नहीं किया, अलोंग विद इनिशिएशन दे मेक इन प्रैक्टिस, दे ब्रॉट इट इन प्रैक्टिस इन द होल सदर्न इंडिया. पूरी तरीके से इंप्लाई करने का जो क्रेडिट जाता है वो मुनरो को जाता है. Now is it clear to you? Yes. चलिए. So एक तरीके से farmers के लिए थोड़ा सा liberty तो उन्हें मिली, लेकिन the percentage of the taxes were not less. Again, exploit होते रहने का, अगर farmers बहुत अच्छा production नहीं कर पाते हैं तो भी they were bound to pay the 50% of their production. तो 50% प्रोडक्शन कुछ ज्यादा था एज टैक्स. ऑल्दो अभी जमींदार्स के हाथों एक्सप्लॉइट होने से और मनी लेंडर्स के हाथों एक्सप्लॉइट होने से उन्हें फ्रीडम मिला, लेकिन अभी भी द रेट ऑफ टैक्स वाज वेरी हाई. ठीक है. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द महलवारी सिस्टम, द थर्ड सिस्टम टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू विच इंट्रोड्यूस्ड by the British officer in India. So third one is Mahalwadi system. What was this Mahalwadi system and when it was introduced? So, dekho. Mahalwadi system
initially introduced in the middle of the country. अगर हम देखें territories की बात करें, so either it was introduced in the northern part or in the middle part of India. ठीक है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आज की डेट में प्रेजेंट डे जो आपका उत्तर प्रदेश वाला लैंड सरफेस है वहां पर उसके कुछ पार्ट या मध्य प्रदेश एंड पंजाब दीज सम स्टेट वाज टेकन अंडर द सिस्टम महलवारी सिस्टम इन दीज एरिया लैंड वाज कॉमनली ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन विलेजेस को क्या कहा जाता था महल इन ग्रुप ऑफ विलेजेस को महल कहा जाता था और इनमें एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता था हु वाज वेल वर्स्ड इन दीज विलेजेस एंड वेल नोन दैट पर्सन इज कॉल्ड विलेज हेडमैन उसे क्या कहा जाता था विलेज हेडमैन कहा जाता था एंड दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस विलेज हेडमैन टू कलेक्ट the revenue on time and had to pay to the British government. So according to your book, we are going to read it. Page number 26 पे आएंगे और अपनी बुक पे ध्यान देंगे. I'm going to read it. Mahalwari system. The Mahalwari system was introduced in present day Western Uttar Pradesh, certain parts of Madhya Pradesh and Punjab. In these areas. Land was commonly owned by a group of villages called Mahal. The task of collecting the revenue was assigned to a person who was appointed as village headman. Though the Mahalwari system determined or entitled middlemen between the government and the village community and brought about the improvement in irrigation facility. Yet its benefits was largely enjoyed by the government. तो देखो अब इस चीज को आप अगर फ्लो चार्ट पे समझेंगे तो ये आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा है ना मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देती क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड उतना इजिली हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते देखो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट महलवारी महलवारी सिस्टम तो महलवारी सिस्टम वेयर इट वॉज इंट्रोड्यूस इट इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सर्टेन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एमपी एंड Punjab also. So these were some states who was covered under the Mahalwari system of revenue, land revenue collection. ठीक है? Mahalwari system में revenue collection का जो काम है, वो किसको assign किया गया? Village group of villages. ग्रुप ऑफ विलेजेस को क्या नाम दिया गया महल नाम दिया गया इस सिस्टम का नाम महलवारी सिस्टम क्यों रखा गया कहां से कलेक्ट हो रहा है रेवेन्यू ग्रुप ऑफ विलेजेस से तो ये जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है इन्हें महल कहा जाता है ग्रुप ऑफ विलेजेस से रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई इट वॉज असाइंड दिस ड्यूटी वॉज असाइंड टू हेडमैन विच हेडमैन विलेज हेडमैन दिस पर्सन अपॉइंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी विलेज हेडमैन को The duty of village headman was
to collect revenue from the mahal on time. One more responsibility given to the village head man. एक और काम होता था इसकी duties का अगर हम बात करें तो एक duty है revenue collection and the second duty is improve irrigation system. ठीक है विलेज हेडमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टाइमली रेवेन्यू कलेक्शन करके ब्रिटिशर्स को दिया जाए और उस विलेज में या ग्रुप ऑफ विलेजेस में इरिगेशन की जो फैसिलिटी है उसे इम्प्रूव किया जाए. व्हाई इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटी इरिगेशन क्यों इम्प्रूव किया जाए जैसे कि प्रोडक्शन ज्यादा हो और प्रोडक्शन से टैक्सेस इजिली क्या हो पाए पे कर पाए कौन फार्मर्स. Is it clear, beta? Yes, is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good, Nitesh. Very good. I got that all understand the topic. That's really very good. अब हम बात कर लेते हैं महल वाले सिस्टम की. तो अभी हमने मैप पर देखा था विच एरियाज कवर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर एरियाज. बेसिकली हमें पता है इंडिया के मैप पर यूपी पंजाब और हम बात कर रहे हैं सर्टेन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश की. सो अकॉर्डिंग टू द मैप और द गिवन पिक्चर एक बार फिर से मैप पर आते हैं हम. So this area, which is covered with dark brown color, this dark brown shade is showing the areas covered under Mahalwari system. In which states हम बात कर रहे थे in the middle somewhere in India, some part of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. इधर से हम बात करते हैं द एरिया ऑफ पंजाब. ठीक है दिल्ली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये जो एरिया है दैट वाज कवर्ड अंडर द महलवारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन. अब हम बात करेंगे क्रॉप production, forceful cultivation. What Britisher, why Britisher forced the Indian farmer to produce commercial crops? ऐसी क्या वजह थी कि commercial crops के production के लिए Indian farmers को force किया गया. जमींदारी system हमने पढ़ा है. जमींदारी system और आपका permanent settlement. In these system, government or the colonial government ask to Indian farmer to produce only cash crops. Cash crops produce करवाने का main intention क्या था? Through these crops, more income can be earned, not only in the domestic territory but also from the foreign sector. How? Let's have a look on this. Crops for Europe. पेज नंबर 26 पे आएंगे और हु विल रीड. चलिए बेटा आई एम गोइंग टू अलाउ आदित्य राज सिंह बेटा रीड करो चैप्टर पेज नंबर 26 पर आइए और क्रॉप्स फॉर यूरोप आप रीड करेंगे. मैम पेज नंबर 26 यस क्रॉप्स फॉर यूरोप. क्रॉप्स फॉर यूरोप. Crop for Europe. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. India peasants were forced to grow commercial crops such as tea, coffee, indigo, jute, cotton, oil seeds, sugarcane, mulberry, rubber, etc. Many of these crops were raw material for the industries of Britain. These crops were grown on large estates called plantations owned by the Europeans. The plantations were mainly in Assam, Bengal, and Kerala.
थैंक यू आदित्य. देखिए क्रॉप फॉर यूरोप की अगर हम बात कर रहे हैं, बेसिकली व्हाई वी आर डिस्कसिंग क्रॉप्स हियर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि जब हम लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं तो हम क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं. बिकॉज द रेवेन्यू ओनली कलेक्टेड थ्रू द टोटल प्रोडक्शन. ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था, ये रेवेन्यू कहाँ इम्पोज किए जाते थे, टोटल प्रोडक्शन. तो इसीलिए जब रेवेन्यू की बात करते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन को कंसिडर करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो विच टाइप ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग दैट टाइम फार्मर्स ऑफ इंडिया वर प्रोड्यूसिंग. देखो व्हेन द कंट्रोल, द फाइनेंशियल और द इकोनॉमिक कंट्रोल शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम इंडियन फार्मर्स वर डूइंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग. They were only producing the food grain crops such as wheat, maize, jowar, rice, which were they producing only for their self-consumption, not for selling anywhere. But Britishers realized it later. The environment, the land, everything is perfectly suitable to produce the commercial crops or to do the plantation. Firstly, it's important to understand both the terms. Commercial crops, as I told you earlier in the previous class, what is meaning of commercial crops? The crops which are produced with the intention to sell it into the market to earn profit. Some examples of cash crops, rubber, jute, tea, indigo. These were the cash crops or the commercial crops. Okay? Second term humne discuss kiya. Kya? Bataiye. Commercial crops karne ke liye British government ne Indian farmers ko फोर्स, है ना. तो कमर्शियल क्रॉप्स अभी समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल क्रॉप, है ना. तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांटेशन. प्लांटेशन का मतलब क्या है? अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रीज, रो इन अ रो, एक सिर्फ एक सर्टेन काइंड ऑफ ट्री को आप कल्टीवेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं at a particular place in a row formation. ठीक है, एक साथ बहुत बड़े लैंड सरफेस को क्लीन करके और सिर्फ उसी टाइप के ट्रीज को वहां पर प्लांट किया जाता है. ठीक है, वो कहलाता है प्लांटेशन. और यहां हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टी का. आपने सुना होगा टी गार्डन्स विच इज इन आसाम. तो अब large part of mountains covered by the farmers to produce tea. And a fact is here, India is on first rank to produce tea in the whole world. We are the largest exporter, we are the number one producer of tea across the whole world. ठीक है, अभी समझ में आया कमर्शियल क्रॉप्स क्या है और प्लांटेशन क्या है. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या ऑब्जर्व किया, इंडिया इज अ परफेक्टली सुटेबल प्लेस टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप्स और टू डू प्लांटेशन. लेकिन यहाँ के फार्मर्स तो क्या कर रहे हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसका मतलब ये लोग लैंड का परफेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं. तो अब जो कि लैंड फार्मर्स की थी उन पर भी ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. दे वर नॉट टेकिंग देयर लैंड, दे वर नॉट एक्वायरिंग देयर लैंड, बट दे वर फोर्सिंग देम टू प्रोड्यूस दीज क्रॉप्स. और इफ द फार्मर्स डिनाइड टू प्रोड्यूस, द रेट ऑफ टैक्सेशन इम्पोज ऑन दैट इंडिविजुअल, ऑन दैट पर्टिकुलर फार्मर इंक्रीज्ड.
उसके लिए टैक्स को बढ़ा दिया जाता था या कुछ भी एक्सप्लॉइटेटिव पनिशमेंट उसको दिया जाता था, ठीक है. सो फार्मर वर फुली अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दे हैड टू, उन्हें करना ही पड़ता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें करने के लिए कहती थी, ठीक है. सो इंडियन पीजेंट्स वर फोर्स टू ग्रो, क्या प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया बेटा. एलिमिनेटेड का मीनिंग होता है ख्याति, एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना, एविक्ट का मतलब भी यही है बेदखल करना, और एलिमिनेट का भी मतलब है आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर से निकाल देना. ओके प्रियांशी, आई गॉट यू. इफ योर क्लास यू हैड लेफ्ट फ्रॉम द क्लास, कोई बात नहीं. क्या समझना चाहते हैं बेटा? क्रॉप्स फॉर यूरोप समझना चाहते हैं. महलवारी सिस्टम ऑलरेडी आई एक्सप्लेन. एक्चुअली यस प्रियांशी, विच वन? क्रॉप्स फॉर यूरोप आप समझना चाहते हैं? कमर्शियल प्लांट्स एंड प्लांटेशन, हम दोनों. ओके, कमर्शियल क्रॉप्स एंड प्लांटेशन. बेटा कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब है द क्रॉप्स विच प्रोड्यूस्ड विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट. इफ वी आर प्रोड्यूसिंग एनी क्रॉप टू सेल इट इनटू द मार्केट, फॉर एन एग्जांपल टी, कॉफी, जूट, रबर, दीज आर द कैश क्रॉप्स, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट कैश क्रॉप्स के अलावा आपने बोला प्लांटेशन का, तो प्लांटेशन इज अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्री प्लांट एट अ लार्ज लैंड सरफेस, इट्स कॉल्ड प्लांटेशन. जनरली दीज प्लांट्स आर प्लांटेड इन अ पर्टिकुलर रो, एक रो में इनको फॉर्म किया जाता है, एक लाइन से प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं और पर्टिकुलर किसी एक ही प्लांट को वहां पे ग्रो किया जाता है. जैसे कि मैंने बोला टी है, अपने टी के जो फार्म्स होते हैं आसाम में, हमने टी फार्म्स को देखा है. अगर हमने आसाम में जाकर नहीं देखा बट समवेयर इन मूवीज ऑन टीवी वी ऑल आर वेल नोन. तो माउंटेन एरियाज पे बहुत बड़े लैंड सरफेस को क्लीन करके टी को प्रोड्यूस किया जाता है, चाय के बागान जो हम बोलते हैं ना, वो गार्डन ऑफ टी गार्डन्स जो है दार्जिलिंग में आप जाएंगे वहां पर आसाम से है. सो दीज आर प्लांटेशन, एक सर्टेन क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा रहा है पूरे फार्मलैंड, ठीक है. सो ब्रिटिश हैज ऑब्जर्व्ड इट कि इंडिया इज अ परफेक्ट प्लेस टू प्रोड्यूस, तो दे फोर्स्ड इंडियन फार्मर टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप. और बेसिकली कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस करने को कहा गया कैश क्रॉप में भी? टी, इंडिगो, प्रायोरिटी दी गई किनको? टी को प्रोड्यूस करने को और इंडिगो प्रोड्यूस करने को लेकर के. कॉफी, जूट, सेवरल अदर कैश क्रॉप्स दे फोर्स टू प्रोड्यूस, ठीक है. बट द इंडियन फार्मर्स वर नॉट रेडी टू प्रोड्यूस दीज क्रॉप्स, ठीक है. इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे ब्लू रेबिलियन और इंडिगो कल्टिवेशन. इंडिगो कल्टिवेशन वॉज अ कॉज ऑफ ब्लू रेबिलियन, ठीक है. But we will discuss in the next class, not today. Actually, time is over of your class. So, your homework for today is you will make a flow chart of land revenue system, and you all will write the features of Mahalwadi system, Rayotwadi system, and permanent settlement. इन तीनों ही लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के जो सिस्टम है इनके फीचर्स आपको लिखने हैं, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, प्लस तीनों सिस्टम के फीचर्स आपको लिखने हैं. इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? गिलास और यस. ओके, देन आई एम गोइंग टू एंड द क्लास. थैंक यू क्लास.